हेलो गाइस, हम लोग आज आए हैं चांद का फ़ोटो लेने के लिए। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, अभी चांद जो है थोड़ा सा क्लाउडी वाला स्काई में दिख रहा है। तो हमको चांद का फुल क्लियर व्यू तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे कि चांद का एक ऑलमोस्ट क्लियर फ़ोटो ले सकें। तो लेंगे कैसे, अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये YP20 Pro में, और मैंने लगाया है एक लेंस, पिक्सल लेंस, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। एक मिनट, मुझे फ्लैश ऑन करने का मिलेगा क्या यहाँ पे? ओके, सामने फ्लैश ऑन कर दिया, तो अभी देख सकते हैं। चांद बाहर नहीं आता तो मैं बता देता हूँ इस लेंस के बारे में। ये है पिक्सल का 36x मैग्नीफिकेशन वाला टेलीफोटो लेंस, और जूम लेंस बोल सकते हैं, जिसका फ्रंट में ये एक रोटेशन वाला रिंग है जिससे आप फोकस कर सकते हैं। चांद पे पास में फोकस करना है या दूर पे फोकस करना है, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जब आपका क्लियर विजुअल मिल जाएगा वहाँ पे फोकस सेट कर लीजिए। और यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू जो है पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा है, इसको हमेशा पॉजिटिव में रखिए। बस हो गया। उसके बाद हमने ये क्लिप लगाया रखा है, जो क्लिप हमारा फ़ोन में लगा है, और हम क्या किए हैं इसको 64 मेगापिक्सल में सेट कर दिए हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि चांद का वेट कर रहे हैं। चांद तो अभी भी बादल में ही है, तो जब चांद बाहर निकल जाएगा तब हम करेंगे उसका शूट। तो ये आप देख रहे हैं 5x जो मैंने किया YP20 Pro पे, आपको चांद इतना सा छोटा सा ही दिख रहा है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 36x जूम कर रहे हैं इसी लेंस से, तो आपका फोटो जाएगा बहुत बढ़िया। जब तक चांद नहीं आता तब तक मैं बता देता हूँ आपका फ़ोन का क्या सेटिंग होगा। ये हमारा रियलमी का जो है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट कैमरा है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। जैसे कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा एक्सपर्ट मोड में। ये एक्सपर्ट मोड है। अभी हमारे एक्सपर्ट मोड में क्या करना पड़ेगा कि हमको ISO जो है, ISO को हमको लोएस्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको ऐसे घुमाने से ISO लोएस्ट हो जाएगा। और एक्सपोजर को हमको फिक्स करना पड़ेगा चांद का कितना ब्राइटनेस है, और हमको फोकस भी फिक्स करना पड़ेगा। तो नॉर्मली हम 0 पे रखेंगे फोकस को, और ISO को 1/15 या 1/30, डिपेंडिंग अपन अपना जो चांद का है ब्राइटनेस कितना है। अब हमारा फोकस हो गया, लेंस का फोकस हो गया, मोबाइल का फोकस हो गया, तो हमको बस चांद का फोटो लेना है। ओके, हमारा मून अभी आ गया है ऑलमोस्ट बाहर क्लाउड से, तो हम अभी शूट कर पाएंगे। और मैंने क्या किया है, उसी टाइम के अंदर ये ट्राइपॉड ले आया है, ट्राइपॉड को सेटअप भी कर दिया है। इधर हमारा पड़ा है रियलमी XT विथ द लेंस। अब हम क्या करेंगे, लेंस को अटैच कर देंगे ट्राइपॉड में। ठीक है, ट्राइपॉड चाहिए क्योंकि वेरी हाई मैग्निफिकेशन शॉट है। तो अभी क्या करेंगे, इसको लेके यहाँ पे अटैच करते हैं। ठीक है, ट्राइपॉड को हमने सेटअप कर दिया है। ट्राइपॉड के ऊपर हमने रियलमी XT को लगा दिया है, और जैसे कि आप देख रहे हैं ये लेंस है, लेंस उनके तरफ, और हमारा फोन में आ गया है मून का फोटो। तो मैंने क्या किया है, अभी 5x जूम पे इसको रखा है, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पूरा फुल हो जा रहा है मून के शॉट से, मतलब मून का जो शेप है। अब ये देख रहे हैं, अभी मून का जो फोटो है क्लियरली विजिबल है। तो अगर आपका फ़ोन में 5x जूम नहीं है तो आप नॉर्मली 2x जूम करके भी ले सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, एक अच्छा सा शॉट लेंगे। मून का स्पीड बहुत है इसलिए वो फ्रेम से बाहर चला गया। अभी मुझे फिर से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, और उसके बाद मैं शेयर करूँगा आपको द अल्टीमेट शॉट ऑफ मून फ्रॉम 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा
Realme XT का। तो ये रहा आपका फाइनल शॉट।